प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में राहत कार्य के निर्देश, सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। जल भराव वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित पहुंचाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है। पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारियों को दिया निर्देश, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सक्रिय रहे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। पशुपालन और विभाग के अधिकारियों को भी दिया गया निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को दिए निर्देश, जल भराव वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित पहुंचाए। पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश, पशुपालन और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी दिया गया निर्देश। अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में राहत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। जल भराव वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित पहुंचाइए, कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जिलों के डीएम को मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है। अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में राहत कार्य के निर्देश, सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम को दिए निर्देश। जल भराव वाली जगहों से लोगों को सुरक्षित पहुंचाए। पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारियों को दिया निर्देश, पशुपालन और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी दिए गए निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नोएडा में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही आने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों की भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में जिलाध्यक्ष रामनिवास यादव के साथ ही अनेक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, परथला के पास हुई मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक मौके से फरार। एफएनजी रोड पर चेकिंग के दौरान भागे आरोपी, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। हरजीत नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। केटीएम बाइक, तमंचा और 3 मोबाइल बरामद, फरार बदमाश की तलाश जारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। परथला के पास मुठभेड़, एक बदमाश घायल, एक मौके से फरार। एफएनजी रोड पर चेकिंग के दौरान भागे आरोपी, बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। हरजीत नाम के बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। केटीएम बाइक, तमंचा और मोबाइल बरामद, फरार बदमाश की तलाश जारी। बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर की फायरिंग। नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया, वहीं एक दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। ये सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में परथला के पास एक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसका नाम हरजीत पुत्र गन्नू सिंह है। बांका सिटी थाना क्षेत्र गाजियाबाद का रहने वाला है और शातिर चेन और मोबाइल स्नेचर है। आज ही इसके द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र से 3 मोबाइल छीने गए थे और आज भी ज्ञात हुआ कि अपने हमारे क्षेत्र में यहाँ पे चेन स्नेचिंग या मोबाइल स्नेचिंग के उद्देश्य से इसका ये और इसका एक साथी आया था। पथला चौक इंचार्ज द्वारा इसे देखा गया, इनका पीछा किया गया। पुलिस टीम, अन्य पुलिस टीम भी आ गई इनके भागने पे और यहाँ पर जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो इसके द्वारा फायर किया गया, जवाबी फायरिंग में घायल हुआ। वही आगरा के आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने से हॉस्पिटल संचालक, उसकी बेटी और बेटे की मौत हो गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अभियान चलाकर बेसमेंट में मरीज भर्ती करने वाले हॉस्पिटल्स को बंद करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में कमिश्नर अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी अस्पतालों को चिन्हित करें और उन्हें नोटिस दें।
वहीं यमुना पार के 5 हॉस्पिटल्स को डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नंदन सिंह के निर्देश पर सील कर दिया गया है। वहीं बरेली में मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी स्कूल और कॉलेज के प्रशासन को निर्देश दिए कि अब तक 3,734 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनमें अधिक सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि छात्रों की डाटा फीडिंग बरेली जिले में 44वें स्थान पर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमीरपुर जिले में पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। इन देवी मूर्तियों शंकरी पीपल के कुंड में विसर्जित किया गया। हमीरपुर में पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गा की शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद देवी मूर्तियों को विसर्जित कर दिया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां देवी मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया गया है और विसर्जन और मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं शोभा यात्रा की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज एकादशी का दिन है, मां का विसर्जन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है और डीजे बैंड बाजा के साथ में मां का विसर्जन होगा। नदी को उस पार नदी पुलिस प्रशासन द्वारा भी काफी व्यवस्था की गई है और हमारे कुलदीप भैया की ओर से बढ़िया भंडारा चल रहा है सभी मां भक्तों के लिए और आज मां का विसर्जन। वहीं कन्नौज में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के मिठुइया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज की एक खबर है, जहां पति पत्नी में विवाद हुआ और उसके बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। पति पत्नी में विवाद हुआ और उसके बाद पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं कन्नौज में पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चलाया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। ट्रैफिक नियमों को लेकर कन्नौज में पुलिस अभियान चला रही है। पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है और इस अभियान का नाम ऑपरेशन ऑल आउट दिया गया है। वहीं ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए भी पुलिस लोगों से अपील कर रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत यह अभियान चल रहा है, जिसमें वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। कन्नौज की यह तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें पुलिस वाहनों की चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। वहीं बरेली के अलीगंज रोड पर एक भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार डग्गामार बस पलट गई। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली की यह खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से डग्गामार तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं बरेली के त्यागी रेस्टोरेंट में एक गरीब बुजुर्ग आदमी को होटल प्रबंधन ने प्रवेश देने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में कुछ युवक चाय पीने के लिए गए थे, तब एक गरीब बुजुर्ग ने खाना खाने की इच्छा जाहिर की,
जिस पर युवक ने बुजुर्ग व्यक्ति को होटल में खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाया, लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन ने बुजुर्गों को यह कहकर खाना देने से मना कर दिया कि यहां गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता है। जब यहाँ शॉपिंग करने आए तो हमें भूख लगने लगी, हमने सोचा यहाँ से कुछ खा लेते हैं, काफी प्रसिद्ध दुकान है त्यागी रेस्टोरेंट के नाम से, हमने यहाँ से कुछ खा लेते हैं। तो एक बूढ़े चाचा थे, वो शायद बोल भी नहीं पा रहे थे सही से, वो बोले कि हमें कुछ खाना खिला दो। तो हमने कहा चलिए ठीक है, आप वहाँ बैठ जाइए, हम आप पैसे आपके हम दे देंगे और आप इस पर खाना खा लीजिए। तो ये कहते हैं कि इनको हम बैठा के खाना नहीं खिला सकते, कारण पूछने पर बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि हम इन्हें, ये गरीब हैं, ये मतलब यहाँ रोज भीख मांगते रहते हैं, इनको हम खाना नहीं खिला सकते। वही सीतापुर जिले के थाना रामकोट इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय में खाना बनाते समय कुकर फटने से रसोईया समेत तीन लोग झुलस गए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे में दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनका इलाज जारी है। रामकोट थाना क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर में सुबह बच्चों के लिए खाना बनाया जा रहा था, अचानक भट्टी पर रखा कुकर अधिक दबाव होने के चलते फट गया, जिसकी चपेट में आने से रसोईया समेत तीन लोग झुलस गए। सीतापुर जिले के रामकोट क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर प्राइमरी स्कूल में खाना बनाते वक्त कुकर फटने से तीन लोग इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए, जिसमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, दिल्ली से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, 11 अक्टूबर को यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को अमित शाह का बलिया आगमन, लाला टोला सिताब दियार बलिया जाएंगे अमित शाह। 11 अक्टूबर को है जयप्रकाश नारायण की जयंती। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 अक्टूबर को यूपी का दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बलिया का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती है, सिताब दियार बलिया का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि जेपी की जन्मस्थली है सिताब दियार, जहां का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इसी मौके पर बलिया पहुंचेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। वहीं अलीगढ़ में विजयादशमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। विजयादशमी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस मौके पर सभी लोगों को पुलिस विभाग की ओर से विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। पुलिस विभाग की तरफ से सभी को आज के दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। पूरा पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था, पूरा सकुशल सुरक्षित रूप से सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ ये कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ है और अभी इसको ये पूरी तरह से लोग यहां से जाना शुरू हो गए हैं और बहुत ही भव्य तरीके से इसको मनाया गया है। बहुत ही कम समय में पुलिस प्रशासन ने मिलकर के और बारिश होने के बावजूद भी इसको पूरे सुरक्षित रूप से संपन्न कराया है। मैं पुनः एक बार फिर शहरवासियों को आज के दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, लेखपाल मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, परीक्षा की सूचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी, मोबाइल आधार कार्ड जब्त, वोटर कार्ड नकदी भी बरामद, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेखपाल मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, परीक्षा की सूचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी, मोबाइल आधार कार्ड जब्त। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, परीक्षा की सूचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी, लेखपाल की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
परीक्षा की सूचिता भंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पैसा लेकर पेपर सॉल्व कराता था आरोपी। गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार हुआ आरोपी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। वहीं महाराजगंज में दशहरा मेले के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने और जनता से दुर्व्यवहार करने के आरोप में कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी कांस्टेबल की ड्यूटी सदर कोतवाली चौकी के पास लगाई गई थी। हमारे न्यूज चैनल से बातचीत में मुख्य अग्निशमन अधिकारी जसवीर सिंह ने कहा कि अग्निशमन शाखा में तैनात आरक्षी भास्कर सिंह की ड्यूटी 4 अक्टूबर को दशहरा मेले में लगाई गई थी। दुर्व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी भास्कर सिंह को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। उसके खिलाफ जनता के बीच अपनी वर्दी निकालकर कंधे पर लटकाने और जनता से गलत व्यवहार करने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। दिनांक 4/10/22 को फायरमैन भास्कर सिंह की ड्यूटी दुर्गा पूजा में कोतवाली सदर चौकी के पास लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान फायरमैन ड्यूटी स्थल पर नहीं गया, जिसकी तत्काल रिपोर्ट डीडी में अंकित कराई गई तथा वायरल वीडियो के माध्यम से संज्ञान में आया कि उप फायरमैन द्वारा अनुशासनहीनता बरतते हुए जनता में अनुचित व्यवहार किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई, पुरानी परंपरा का लोगों ने किया निर्वहन। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का हुआ मिलन। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का हुआ मिलाप। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा निभाई गई वाराणसी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 479 साल से चली आ रही है परंपरा। नाटी इमली में संपन्न हुई प्रसिद्ध भरत मिलाप लीला। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। सैकड़ों साल पुरानी निभाई गई परंपरा, पुरानी परंपरा का लोगों ने किया निर्वहन। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने पर उन्हें मेदांता में उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं बदायूं जिले के बिसौली में सपा समर्थकों और अन्य लोगों द्वारा जल्द ही उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए हवन और पूजन कराया गया। आपको बता दें कि उनके चाहने वालों और उनके समर्थकों द्वारा लगातार उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की जा रही है और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव की हालत नाजुक बनी हुई है और इसी को लेकर जगह जगह पर उनके समर्थक और उनके चाहने वाले उनके शुभचिंतक उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर हवन पूजा और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बदायूं की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बिसौली में मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले और उनके समर्थकों ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर हवन और पूजन किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव, अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा संरक्षक का जाना हाल। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव, अखिलेश यादव से की मुलाकात। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जाना हाल। मेदांता अस्पताल पहुंचे शरद यादव, अखिलेश यादव से की मुलाकात। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर
वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव पहुंचे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के सेहत की जानकारी ली। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं उनके बेटे और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनकी देखरेख के लिए मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं, जहां उनसे मिलने के लिए शरद यादव पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की छापेमारी। यमुना पार के 5 अस्पताल किए गए सील। चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल सील। मंगलम संगम हॉस्पिटल को भी किया गया सील। एक अस्पताल के बेसमेंट में मिले 13 मरीज, दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए दिया गया नोटिस। आगरा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की छापेमारी। यमुना पार के 5 अस्पताल किए गए सील। चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल सील, दूसरी जगह। सीएमओ के आदेश पर 8 सर्वे टीमें कर रही हैं काम। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की छापेमारी। यमुना पार के 5 अस्पताल किए गए सील। चैतन्य हॉस्पिटल, राधा रानी हॉस्पिटल सील। वही खबर लखनऊ से है, जहां रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर प्रयासरत और अपने परिक्षेत्र में आने वाले समस्त स्टेशनों पर नवीन सुख सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं समेत कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री जयंत कुमार चौधरी ने मंडल के अन्य अधिकारियों के साथ मंडल के सुल्तानपुर, जौनपुर, जाफराबाद, व्यासनगर रेलखंड का निरीक्षण किया। इस रेलखंड पर स्थित स्टेशनों पर वर्तमान समय में चल रहे प्रगति कार्यों और विकास परियोजनाओं का उन्होंने जायजा लिया और गहनता से उन्हें परखते हुए रेलखंड की संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे संजय निषाद। ब्रिटिश काल से हो रहा था निषाद समाज का तिरस्कार, समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस का किया समर्थन। मत्स्य पालन पट्टों में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई, यह कहना है मंत्री संजय निषाद का। मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे संजय निषाद। ब्रिटिश काल से हो रहा था निषाद समाज का तिरस्कार, यह कहना है मंत्री संजय निषाद का। समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस का समर्थन किया है मंत्री संजय निषाद ने। मैनपुरी पहुंचे मंत्री बनने के बाद संजय निषाद। समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आरएसएस का किया समर्थन। मत्स्य पालन पट्टों में गड़बड़ी होने पर होगी कार्रवाई, यह कहना है मंत्री संजय निषाद का। वहीं बदायूं में निजी बसों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में 6 बच्चों समेत 12 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बदायूं की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 2 निजी बसों में भिड़ंत हो गई और इस बस हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई में जुट गया। देख सकते हैं जहां
निजी बसों की आपस में टक्कर हो गई और हादसे की गंभीरता का अंदाजा आप बसों की हालत को देखकर लगा सकते हैं। निजी बसों की आपस में भिड़ंत हुई और हादसे में 6 बच्चे समेत 12 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। वही खबर हजरतपुर से है, जहां एक व्यक्ति अपनी भैंस चराने के लिए जंगल में गया था। उसने भैंस की पूंछ पकड़कर रामगंगा नदी वो पार कर रहा था। किसी तरीके से भैंस की पूंछ हाथ से छूट गई और वो पानी में बह गया। आसपास में काम कर रहे लोगों ने उसे देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया और घर वालों को सूचना दी, जिसके बाद थाना हजरतपुर को भी मामले की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी निरीक्षक खीम सिंह जलाल मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और उन्होंने आनन फानन में गोताखोरों को बुलाया, जिसके बाद उन्हें व्यक्ति को ढूंढने में लगाया गया, लेकिन अभी तक व्यक्ति का शव बरामद नहीं हो पाया है। वहीं घर में परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।